हेलो गाइस, वेलकम बैक न्यू वीडियो। मैं बनाने जा रही हूँ मीठा गलका। मीठा गलका बनाने के लिए मैंने लिए हैं ये अमिया। अमिया को मैंने धो लिए हैं। सो गाइस, अगर आप नए मेरे चैनल को देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा और पूरी वीडियो देखिएगा। मीठा गलका बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। इसको गाइस लौंजी भी बोलते हैं और मीठा गलका भी बोलते हैं। और इसको बनाएंगे, और बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, अमिया को 2-3 पानी से धो लेंगे। धोने के बाद इसको अमिया को छील लेंगे। मिलते हैं गाइस अमिया को छीलने के बाद। तो गाइस आप देख सकते हैं कि अमिया को इस तरीके से छील लिए हैं और इसके 2 भागों में कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद कद्दूकस कर लेंगे। सो गाइस, कलमी अमिया, जो मीठी अमिया है जिसको कलमी अमिया बोलते हैं, उसको मैंने इस तरीके से कद्दूकस कर लिया है। कद्दूकस करने से गाइस क्या रहता है कि बहुत ही ज़्यादा टेस्ट लगता है और अमिया खाने में भी अच्छी लगती है। अगर आप इस तरीके से भी गलका बना सकते हैं, जैसे बड़े बड़े पीसेस काट लिए हैं और इसके भी गलका बना सकते हैं, इसके भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। तो गाइस मैंने कद्दूकस कर लिए हैं, और कद्दूकस करने के बाद चलते हैं गैस की तरफ। गैस को ऑन करेंगे और इस पर रखेंगे कढ़ाई, और कढ़ाई भी आपको लोहे की नहीं रखनी है और ना ही आपको एल्युमिनियम की, क्योंकि खट्टी होती है अमिया, तो नॉन स्टिक की कढ़ाई मैंने ली है। कढ़ाई गर्म हो चुकी है, इसमें डालेंगे छोटा चमचा ऑयल। ऑयल गर्म हो चुका है। ऑयल को गर्म करने के बाद इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, एक चुटकी हींग, कलौंजी, जीरा, टर्मरिक पाउडर आधा टीस्पून, इसमें पानी डाल देंगे। पानी समथिंग इसमें 1 ग्लास ऐड कर देंगे। पानी में खौल लगाएंगे। पानी में गैस खौल आ गई है, मसाला अच्छे से भुन गया है। अब इसमें डालेंगे गुड़, 1 टीस्पून चीनी। इसको चलाएंगे, गैस को लो फ्लेम पर कर देंगे। आधा ग्लास पानी इसमें और ऐड करेंगे। एक चुटकी गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर आधा टीस्पून से कम, आधा टीस्पून धनिया पाउडर। अब इसको चलाएंगे। गैस को लो फ्लेम पे कर देंगे, इससे क्या रहता है गैस ये गुड़ जो है आसानी से पिघल जाएगी। गुड़ गैस आप देख सकते हैं कि ये पिघल रही है, जो मैंने अमिया कद्दूकस करके लिए थी इस तरीके से, तो इसमें डाल देंगे। अमिया के साथ साथ इस तरीके से गुड़ भी पिघलने लगेगी और ये अमिया भी पक जाएगी और गलका बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और स्वादिष्ट लगता है। इसको आप चाहें तो पूड़ी के साथ खाइएगा या आप रोटी के साथ, दाल के साथ, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। इसको गाइस लौंजी, गलका, जो भी आप बोलते हो, या मीठी चटनी अमिया की तो कह सकते हैं आप। और गुड़ देख सकते हैं कि गाइस इस तरीके से पिघल गई है। अब इसमें डालेंगे गाइस 1 टीस्पून सौंफ पाउडर, सौंफ से गाइस टेस्ट बहुत अच्छा आता है, आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि इसको मैंने 15 मिनट तक इसको खोल लगाई है और गैस को लो फ्लेम पर ही रखा है और ये गलका बनके तैयार हो गया है। और आप देख सकते हैं कि इसका अमिया का जो कलर है, कलर चेंज हो जाता है और ये जो कलर जो इस तरीके से हो जाएगा, तो ये अमिया पक चुकी है और इसको आप स्टोर करके रख सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है गैस गलका। इसको फ्रिज में रख सकते हैं, चाहे तो आप बाहर भी रख सकते हैं। एक 2 महीने तक आपका ये गलका ख़राब नहीं होगा और आसानी से आप खा सकते हैं। तो गैस गलका बनके तैयार हो गया है, गैस को ऑफ कर देंगे। गैस को गैस ऑफ कर दिया है, इसमें डालेंगे काली मिर्च पाउडर, आधा
आधा टीस्पून सौंफ पाउडर, आधा टीस्पून मैंने पहले भी डाल दिया था, आधा टीस्पून बाद में डाला है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है ऊपर से डालने से। तो ये परफेक्ट बन के तैयार हो गई है मीठी लौंजी। इसको आप स्टोर करके रखने के लिए आप कांच के बर्तन में ही रखिएगा या प्लास्टिक के, स्टील के बर्तन में नहीं रखिएगा। स्टील के बर्तन में रखने से क्या रहता है, खटाई होती है, स्टील के बर्तन में उतर आती है, तो आपका एक हल्का बिल्कुल बेकार हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा खाने में। सो गाइस आप देख सकते हैं कि गलका बन के तैयार हो गया है। और फिर ये इस तरीके से आप, अगर थोड़ा सा पतला आपको लग रहा होगा मगर इसको जब स्टोर करके आप रखेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, क्योंकि ये गुड़ है और ये सूख लेता है, और इसलिए बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा रखे जब ठंडा होगा तब। तो इस तरीके से गाइस गलका आप बना के तैयार कर सकते हैं, और इसको आप आलू की कचौड़ी से खाइएगा या दाल से खाइएगा या पराठे से, जो भी अवेलेबल आपके पास हो उसी से आप खा सकते हैं, और लूका भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो गाइस गलका की रेसिपी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कम्युनिटी हॉस्टल में एक नया चैनल जो मैं शॉर्ट्स की वीडियो डालती हूँ, उसमें भी आप जाके मेरे चैनल को देखिएगा और सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। तो गाइस रखने के लिए मैंने आपको बताया था स्टील के बर्तन में इसको नहीं रखिएगा गलका को, कोई ढक्कन वाली कांच की बोतल में ही रखिएगा, और इसमें अगर रखना है कटोरे में फ्रिज में करके स्टोर करके तो इसमें प्लेट से ढककर ही रखिएगा, इसमें कीड़े वगैरह ना हो और जिसमें कुछ भी गिर ना पाए तो इसको ढक के संभाल के रख सकते हैं। या आपके पास इस तरीके से जैम की बोतल हो या जो भी अवेलेबल हो आपके पास कांच की बोतल, तो उसमें भी आसानी से आप रख सकते हैं, तो इसमें बहुत स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में। तो इस तरीके से यही वाली ऐसी बोतल में ही रखिएगा कांच की। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।